दोस्तों, मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन मेहनत अगर सही डायरेक्शन में हो तो वो और भी अच्छी बात है। और मोटो भैया इस चीज़ को फॉलो करते हुए लेकर के आ रहा है अपने चार नए स्मार्टफोन। पहला लेकर के आ रहा है मोटो जी 7, दूसरा है मोटो जी 7 प्लस, तीसरा है मोटो जी 7 प्ले और चौथा है मोटो जी 7 पावर। तो दोस्तों, ये चार स्मार्टफोन ऐसे स्मार्टफोन होंगे लो जो कि लगभग उसी पर्टिकुलर प्राइस रेंज सेगमेंट में होंगे, जिसमें आपका रेडमी नोट 7, रेडमी नोट 7 प्रो और साथ ही साथ में आसूस का जेनफोन मैक्स प्रो M2 भी है। तो दोस्तों, इस पर्टिकुलर प्राइस सेगमेंट में बहुत ज़्यादा उथल पुथल होने वाली है, तो अभी तो फिलहाल आप परेशान ना होइए। जैसे ही ये फ़ोन इंडिया में आते तो हम आपको इसका डिटेल कंपैरिजन करके भैया बता देंगे कि भैया इनमें से कौन सा स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए। लेकिन फिलहाल क्योंकि भैया ये स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं तो इसकी स्पेसिफिकेशंस कुछ लीक आउट हो चुकी हैं, तो आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा मोटो जी 7 सीरीज़ के जो स्मार्टफोन है उनकी ने स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो चलिए फिर ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करते हैं और करते हैं अपना वीडियो स्टार्ट। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा ताकि हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई इसके अंदर चार नए स्मार्टफोन आ रहे हैं, तो भाई दो ऐसे स्मार्टफोन हैं जिसके अंदर आपको वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले देखने को मिलेगा और वो स्मार्टफोन है मोटो जी 7 और मोटो जी 7 प्लस। और जो बाकी के दो स्मार्टफोन हैं मोटो जी 7 प्ले और मोटो जी 7 पावर, उसके अंदर आपको वाइड नॉच डिस्प्ले देखने को मिलेगा। और हाँ, ये सारे ही स्मार्टफोन में प्रोसेसर भी सेम है स्नैपड्रैगन 632 सिवाय मोटो जी 7 प्लस को छोड़ करके, क्योंकि भैया उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन का 660, जो कि बहुत सारे स्मार्टफोन में अभी इस समय आपको देखने को मिल रहा है, चाहे मैं बात कर लूँ रेडमी नोट 7 की या फिर आसूस जेनफोन मैक्स प्रो M2 की। तो दोस्तों, ये तो भाई हो गई प्रोसेसर्स की बात। एक चीज़ और बता दूँ तो कि भाई यहाँ पे जो मोटो जी 7 पावर होगा उसके अंदर 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। तो बाकी सबको करते हैं साइड में, क्योंकि जो यहाँ पे आप लोगों का भी अटेंशन होगा भैया मेन स्मार्टफोन में, जो कि है मोटो जी 7 प्लस, क्योंकि भाई वो आ रहा है स्नैपड्रैगन 660 के साथ में। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जैसे कि मेरा अटेंशन गया था उसके ऊपर तो आपका भी होगा। तो चलिए उसकी डिटेल स्पेसिफिकेशन के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो फिर दोस्तों, मोटो जी 7 प्लस में आपको देखने को मिल जाएगा 6.24 इंच का फुल HD प्लस नॉच डिस्प्ले और स्क्रीन टू बॉडी एस्पेक्ट रेशियो आपको मिलने वाला है 19.5:9 एस्पेक्ट रेशियो, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया दोस्तों यहाँ पे होने वाला है। और भाई प्रोसेसर की तो मैंने बता दिया स्नैपड्रैगन 660 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो खासियत है कि भैया ये फुल वर्जन आ रहा है इसका, मतलब कि 2.2 GHz पे ये क्लॉक्ड होने वाला है, तो ये और भी अच्छी बात हो गई। क्यों, अब इसके बाद अगर मैं कैमरा की बात कर लूँ तो दोस्तों यहाँ पे आपको डुअल रियर कैमरा देखने को मिल जाएगा 16 MP प्लस 5 MP का, और फ्रंट में आपको देखने को मिलेगा 12 MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि भाई जो रियर कैमरा है उसका जो एपर्चर यहाँ पे दिया हुआ है वो एक्चुअल में होगा F1.75 का, वो एक्चुअल में होगा F1.75 का। तो भाई ये और भी अच्छी बात है। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं बता दूँ कि इसके अंदर जो आपको बैटरी देखने को मिलेगी वो भाई मिलेगी 3500 mAh की बैटरी, जो कि मोटोरोला के टर्बो चार्जर को सपोर्ट करेगी। हाँ, अब इन द बॉक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी मैं कह नहीं सकता। और अगर मैं यहाँ पे मोटोरोला के टर्बो चार्ज की बात कर लूँ तो यहाँ पे 15 W का वो भैया चार्जर होता है, तो हाँ आपको यहाँ पे क्विक चार्ज 3 के आसपास वाली जो है फीलिंग मिल जाएगी चार्जिंग करने में। और क्योंकि भैया 3500 mAh है, फिर भैया ऑब्वियस ही बात है कि भैया जल्दी चार्ज होगा ही 4000 mAh के मुकाबले। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ कि भैया ये आने वाला है एंड्रॉयड पाई के साथ में, और साथ ही साथ में रियर में फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिल जाएगा। तो भैया ये सारी की सारी है लीक्ड स्पेसिफिकेशन, बहुत ही जल्दी भैया ऑफिशियली कन्फर्म्ड स्पेसिफिकेशन भी आ जाएंगी, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो फिलहाल अगर मैं सुपरफिशियली अगर इस पर्टिकुलर स्मार्टफोन को देखूँ और अगर ये स्मार्टफोन 12,000 के अंदर में आएगा या उसके आसपास में आएगा, क्योंकि दोस्तों हम लोगों को पता ही है कि भैया मोटो जब भी अपने स्मार्टफोन देता है तो वो काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी होते हैं, तो फिलहाल भैया इसमें कौन सा ना कॉर्निया जो है गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन लगा है या नहीं जो है लगाया, तो उसके बारे में ज्यादा कुछ अभी हमें पता नहीं चला है। तो जब उसके बारे में भी पता चल जाएगा तो हम एक फुल कंपैरिजन कर पाएंगे रेडमी नोट 7 के साथ में या फिर आसूस जेनफोन मैक्स प्रो M2 के साथ में, जो कि ना भैया कॉर्निया गोरिल्ला ग्लास के प्रोटेक्शन के साथ में आते हैं, तो वो भी एक देखने वाली बात होगी। तो फिर दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को कर दीजिएगा एक लाइक, और हाँ शेयर करना भूलिएगा नहीं। और हाँ, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो भैया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबा लीजिएगा ताकि हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। तो फिर दोस्तों, डेट वॉज ऑल फ्रॉम द गीकी मॉन्ग। थैंक यू।